नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवर चैनल क्रिक 11। हाँ पे आपको एक और बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स सेकेंड ओडीआई मैच जो 30 दिसंबर सैटरडे दोपहर 1:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पे होने वाला है, उसी मैच के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। स्टैट्स, हेड टू हेड, वेन्यू, ये वो बहुत देख चुके हैं, कुछ नहीं हुआ उससे। अभी टाइम आया है, स्टैट्स से निकालिए और स्मार्ट बनिए। प्रैक्टिकल में मैच में क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा वो समझिए। तो वीडियो पे बिना स्किप किए आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी बस इतना ही करना है, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। पिच रिपोर्ट, तो चलिए दोस्तों पिच रिपोर्ट देखते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वानखेड़े का जो स्टेडियम है एक बैलेंस कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, मतलब बैट्समैन के लिए भी बहुत सारे रन होता है और बॉलर्स के लिए भी पेसर्स और स्पिनर दोनों के लिए ही मदद होता है। शुरुआत में पेसर्स को अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है और खेल जितना होता जाएगा खेल का मिडिल पे स्पिनर को भी अच्छा खासा टर्न मिल सकता है। खासकर सेकेंड इनिंग से स्पिनर थोड़ा सा गेम पे आ सकता है और बैट्समैन अगर थोड़ा सा रुक के खेलेगा तो वो भी अच्छा खासा रन बना सकता है। बाउंड्रीज जो है यहाँ पे बहुत ही छोटा रहता है तो यहाँ पे अच्छा खासा 6 भी लगता है, तो मैच बहुत ही बढ़िया होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड में कुछ खास नहीं है बोलने के लिए। 50 मैच पे आमना सामना हुआ है दो टीमें ओडीआई फॉर्मेट में, बस इंडिया 10 मैच पे और ऑस्ट्रेलिया ने 40 मैच पे जीत हासिल करा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मैच पे जीत हासिल किया है और इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है हर रिकॉर्ड में, तो ऐसा ही है। लेकिन रिसेंट टाइम पे इंडिया बहुत ही स्ट्रांग टीम है और इंडिया पे मैच होने वाला है। टेस्ट मैच पे ऑस्ट्रेलिया को हराया है इंडिया ने, पहले वाला मैच पे जरूर इंडिया हार गया है लेकिन इस मैच पे फाइट बैक कर सकता है, तो आपके लिए वानखेड़े पे बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है सैटरडे इवनिंग को। प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो चलिए दोस्तों इंडिया का प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंडिया अपना सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है, अगर स्मृति मंदाना फिट हो जाए तो वो ऋचा घोष की जगह पे आ सकता है टीम पे, उस टाइम पे यास्तिका भाटिया आपको विकेट कीपिंग करते हुए देखेंगे। तो क्या रहेगा फिलहाल के लिए इंडिया का प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो ओपनिंग में यास्तिका भाटिया के साथ सैफ अली वर्मा, उसके बाद लास्ट मैच पे हम लोग वन डाउन पे ऋचा घोष विकेट कीपर बैट्समैन ऋचा घोष को देखे थे, उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, शेर राणा, अमनजत कौर, पूजा वस्तेकर, रेणुका सिंह ठाकुर और साइका इसाक को हम लोग इंडिया की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। इंडिया की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो रेणुका सिंह ठाकुर, पूजा वस्तेकर, साइका इसाक, अमनजत कौर, शेर राणा, दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर को हम लोग इंडिया की तरफ से बॉलिंग करते हुए देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा ओवर रेणुका सिंह ठाकुर, पूजा वस्तेकर, दीप्ति शर्मा करते हुए देखेंगे। स्नेह राणा भी आपको अच्छा खासा ओवर करते हुए देखेंगे क्योंकि रिसेंट टाइम पे बहुत ही बढ़िया फॉर्म के साथ गुजर रहा है। तो शुरुआती ओवर की बात करें तो रेणुका सिंह ठाकुर के साथ पूजा वस्तेकर आपको शुरुआती ओवर में बॉलिंग करते हुए देखेंगे। साइका इसाक भी आपको पावर प्ले पे एक ओवर को करते हुए देख सकता है। और डेथ ओवर की बात करें तो डेथ ओवर में हुई बॉलर आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे रेणुका सिंह ठाकुर और पूजा वस्तेकर, अगर जरूरत पड़े तो दीप्ति शर्मा और शेर राणा भी आपको डेथ ओवर में एक ओवर करते हुए देख सकता है। तो चलिए अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपना सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है, तो ओपनिंग में फोबी लिचफील्ड, उसके बाद विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान एलिसा हेली, एलिस पैडी, बेथ मुनी, तहालिया मैग्रा, एसले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया ओवरहम, एनोला किंग, मेगान सुट और डार्सी बाउंड को हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो डार्सी बाउंड, मेगान सुट, सदरलैंड, गार्डनर, वेवहम, तालिया मैग्गा, एनोला किंग और जरूरत पड़ने पे एलिसा पेरे भी आपको बॉलिंग करते हुए देख सकता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज्यादा से ओवर डार्सी बाउंड, मेगान सुट और एसले गार्डनर आपको करते हुए देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शुरुआती ओवर की बात करें तो डार्सी बाउंड के साथ मेगान सुट आपको शुरुआती ओवर में बॉलिंग करते हुए देखेंगे। थर्डलैंड भी आपको पावर प्ले पे एक ओवर करते हुए देख सकता है और डेथ ओवर में डार्सी बाउंड, मेगान सुट, उसके साथ साथ गार्डनर भी आपको अच्छा खासा ओवर करते हुए देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेथ ओवर में। स्मॉल लीग डिसेंट पिक, तो दोस्तों अपने स्मॉल लीग पे आप किसको किसको पिक करोगे वो देख लेते। तो इंडिया की तरफ से हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, शेर राणा, पूजा वस्तेकर और रेणुका सिंह ठाकुर के साथ आप लोग जा सकते हो। हरमनप्रीत कौर बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, रिसेंट टाइम पे बॉलिंग ज़्यादा नहीं कर रहा है लेकिन बैटिंग से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, वन डाउन या टू डाउन पे बैटिंग करते हुए आएगा इंडिया की तरफ से, तो आपके स्मॉल लीग पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद दीप्ति शर्मा की बात करें तो इंडिया की तरफ से 10 ओवर अपना कोटे का बॉलिंग करेगा और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, जरूरत पड़ने पे बैटिंग भी करेगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद स्नेह राणा और पूजा वस्तेकर रिसेंट टाइम पे बहुत ही बढ़िया फॉर्म के साथ गुजर रहा है। स्नेह राणा तो लास्ट जो टेस्ट मैच हुआ था उनमें बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था,
तो आप इनके साथ जा सकते हो। अपना कोटे का 10 ओवर बॉलिंग कर सकता है और जरूरत पड़ने पे बैटिंग भी करेगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद पूजा वस्तेकर की बात करें तो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा उस टाइम पे आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। अगर आप ऐसे भी जा सकते हो इनके साथ, आपके लिए 10 ओवर बॉलिंग कर सकता है और डेथ ओवर में शुरुआती ओवर में बॉलिंग करेगा और बैटिंग भी कर सकता है कुछ ज़्यादा, तो आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद रेणुका सिंह ठाकुर इंडिया की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, रिसेंट टाइम पे बहुत ही बढ़िया फॉर्म के साथ गुजर रहा है। विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है, शुरुआत में डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा इंडिया की तरफ से, तो इंडिया अगर पहले बॉलिंग करेगा उस टाइम पे तो आपके टीम पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फोबी लिचफील्ड, एलिस पैरी, बेथ मुनी, तालिया मैग्रा, एसले गार्डिनर, मैगान सुट और डार्सी ब्राउन को आप अपने स्मॉल लीग पे पिक कर सकते हो। फोबी लिचफील्ड ओपनिंग में बैटिंग करते हुए आएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था। उसके बाद एलिस पैरी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, रिसेंट टाइम पे ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहा है लेकिन बैटिंग करने आएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वन डाउन पे, तो आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। जरूरत पड़ने पे ऑस्ट्रेलिया इनको 2-3 ओवर बॉलिंग भी करवा सकता है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद बेथ मुनी की बात करें तो रिसेंट टाइम पे बहुत ही बढ़िया फॉर्म के साथ गुजर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा तो उस टाइम पे बेथ मुनी आपके स्मॉल लीग पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। 2 राउंड पे बैटिंग करते हुए आ सकता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद तालिया मैग्रा की बात करें तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, रिसेंट टाइम पे ये भी ज़्यादा नहीं बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन 3-4 ओवर आपके लिए बॉलिंग कर सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया इनको दे, और बॉलिंग करते हुए विकेट निकाल सकता है और जरूरत पड़ने पे अच्छा खासा बैटिंग करेगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उसके बाद एस्ले गार्डिनर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बेहतरीन ऑप्शन, अपने कोटे का 10 ओवर बॉलिंग करेगा, जरूरत पड़ने पे बैटिंग करेगा, तो आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा एस्ले गार्डिनर। उसके बाद मैगन सुट और डार्सी ब्राउन को भी आप पिक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शुरुआती और डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा और ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगा उस टाइम पे आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। आप ऐसे भी इन दोनों के साथ जा सकते हो, आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्मॉल लीग सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन, तो दोस्तों अगर आप अपने स्मॉल लीग पे सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो तो आप सही सोच रहे हो, क्योंकि अपने स्मॉल लीग पे वुमेन्स मैच पे सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ही सही रहता है। तो इंडिया की तरफ से आप दीप्ति शर्मा और पूजा वस्तेकर को साथ जा सकते हो, दोनों ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। अपना कोटे का 10 ओवर बॉलिंग कर सकता है और जरूरत पड़ने पे बैटिंग भी करेगा, तो आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन जव टाइकर लीजिएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलिसा पैरी, तालिया मैग्रा और एल्सले गार्डिनर के साथ आप लोग जा सकते हो। एलिसा पैरी वन डाउन पे बैटिंग करते हुए आएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। तालिया मैग्रा थोड़ा सा नीचे आ रहा है लेकिन 3-4 ओवर आपके लिए बॉलिंग कर सकता है, तो इनके साथ भी जा सकते हो, आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। उसके बाद सबसे बेहतरीन ऑप्शन एस्ले गार्डिनर, इनके साथ आप लोग जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। आप कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन अपने टीम पे जरूर बनाइएगा एस्ले गार्डिनर, आप अगर थोड़ा सा सेफ जाना चाहते हो। स्मॉल लीग रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन, दोस्तों अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हो तो इस मैच के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि ओडीआई मैच है तो थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो। तो इंडिया की तरफ से हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह ठाकुर को आप ट्राई कर सकते हो। हरमनप्रीत कौर बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर है, 2 डाउन पे बैटिंग करते हुए आ सकता है इंडिया की तरफ से और कप्तान है, तो 2-3 ओवर आपके लिए बॉलिंग भी कर सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो हरमनप्रीत कौर के साथ जा सकते हो। उसके बाद रेणुका सिंह ठाकुर, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा उस टाइम पे आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, तो आप रेणुका सिंह ठाकुर को ट्राई कर सकते हो अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मुनी, मैगन सॉट और डार्सी ब्राउन को ट्राई कर सकते हो। बेथ मुनी बहुत ही बढ़िया फॉर्म के साथ गुजर रहा है, 2 डाउन पे बैटिंग करते हुए आएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेना चाहते हो तो बेथ मुनी के साथ जा सकते हो। उसके बाद मैगन सॉट और डार्सी ब्राउन भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगा तो उस टाइम पे आप इन दोनों के साथ जा सकते हो। आपके लिए शुरुआती और डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हो, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। जीएल यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन, तो दोस्तों अगर आप जीएल पे यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो तो आप सही सोच रहे हो। तो इंडिया की तरफ से सैफ अली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिगेज और सेयर राणा को ट्राई कर सकते हो। सैफ अली वर्मा बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, इंडिया के लिए ओपनिंग में बैटिंग करते हुए आएगा, लास्ट मैच पे कुछ खास प्रदर्शन नहीं था लेकिन वानखेड़े का पिच पे बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच हो सकता है, तो सैफ अली वर्मा को आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद जेमिमा रॉड्रिगेज की बात करें तो थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आएगा लेकिन आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, इंडिया का जल्दी विकेट अगर गिर जाएगा तो जेमिमा रॉड्रिगेज आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, फील्डिंग से भी आपको पॉइंट दिलाएगा तो आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। उसके बाद सेयर राणा को भी आप ट्राई कर सकते हो,
मेरे लिए फेवरेट रहेगा। 10 ओवर अपना कोटे का बॉलिंग करेगा और डेथ ओवर में एक आध ओवर आपको बॉलिंग करते हुए देख सकता है और अपना बैटिंग भी कर सकता है अच्छा खासा, तो आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। जीएल पे इनको जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करेगा, आपके लिए एक यूनिक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलिसा हेली, जॉर्जिया वेरहम और एनोला किंग को आप ट्राई कर सकते हो। एलिसा हेली रिसेंट टाइम पे फॉर्म नहीं है इसके पास, लेकिन ओपनिंग में बैटिंग करते हुए आएगा, विकेट कीपिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कप्तान का जिम्मेदारी भी है। तो वानखेड़े सबसे बेहतरीन मैच होगा, सबसे बेहतरीन टाइम होगा इनके लिए फॉर्म पे आने के लिए। तो एलिसा हेली को आप जीएल पे जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद जॉर्जिया वेरहम भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप चाहे तो इनके साथ जा सकते हो। एनोला किंग मेरे लिए फेवरेट रहेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, विकेट टेकर नेचर की गेंदबाज है, जब विकेट लेके जाता है 3 से 4 विकेट गुच्छों में लेके जाता है। तो एनोला किंग को भी आप जीएल पे जरूर ट्राई करना। तो मेरे इस हिसाब से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन राणा और एनोला किंग को आप जरूर ट्राई करना, मेरे लिए फेवरेट रहेगा। तो इन लोगों को आप जरूर ट्राई करना अपने टीम पे। इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स मैच की ड्रीम इलेवन टीम क्या होगा वो देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए क्रिक इलेवन ऐप ऑफिशियल, हमारे चैनल दिखाई देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम बहुत ही जरूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट वहीं पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पर जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों स्मॉल लीग का टीम देख लेते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन से हम लोग बेथ मुनी को पिक किया है, आप चाहे तो यास्तिका वर्डिया, एलिसा हेली और रिचा घोष को भी ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद बैटिंग सेशन पे चलते हैं। बैटिंग सेशन से एलिसा पैरी, हरमनप्रीत कौर को हम लोगों ने पिक किया है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। एलिसा पैरी वन डाउन पे बैटिंग करते हुए आएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, कुछ ज्यादा ओवर आपके लिए बॉलिंग भी कर सकता है, तो आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। उसके बाद हरमनप्रीत कौर इंडिया की तरफ से कप्तानी करेगा, 2 डाउन पे बैटिंग करते हुए आ सकता है और कुछ ज्यादा ओवर के लिए बॉलिंग भी कर सकता है, तो हरमनप्रीत कौर भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद लिजफील्ड और रॉड्रिगेज को भी आप ट्राई कर सकते हो, दोनों ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। रॉड्रिगेज थोड़ा सा नीचे बैटिंग करते हुए आएगा, लेकिन लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था और फील्डिंग से भी आपको पॉइंट दिलाएगा, तो आपके टीम के लिए ये भी अच्छा ऑप्शन होगा। उसके बाद लिजफील्ड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग में बैटिंग करते हुए आएगा, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। उसके बाद सैफ अली वर्मा इंडिया की तरफ से ओपनिंग में बैटिंग करते हुए आएगा, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, तो इनके साथ भी लोग जा सकते हो, वानखेड़े पे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है सैफ अली वर्मा। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं। एसले गार्डिनर, टी मैग्रा, पूजा वस्तेकर और दीप्ति शर्मा को हम लोगों ने पिक किया है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। एसले गार्डिनर तो मेरे सबसे बेहतरीन ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद टी मैग्रा को भी हम लोग पिक किया है, 3 डाउन पे बैटिंग करते हुए आएगा, कुछ ओवर के लिए बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो टी मैग्रा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद पूजा वस्तेकर और दीप्ति शर्मा भी इंडिया की तरफ से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। पूजा वस्तेकर डेथ ओवर में और शुरुआती ओवर में बॉलिंग कर सकता है और कुछ ज्यादा जरूरत पड़ने में बैटिंग भी कर सकता है। दीप्ति शर्मा 10 ओवर बॉलिंग करेगा इंडिया की तरफ से और जरूरत पड़ने पे दीप्ति शर्मा भी बैटिंग करेगा, तो आपके लिए ये भी अच्छा ऑप्शन। उसके बाद सदरण को भी आप चाहे तो बनने पे ट्राई कर लेना, 3 से 4 ओवर आपके लिए बॉलिंग कर सकता है, शुरुआत में बॉलिंग कर सकता है, अच्छा खासा विकेट निकलता है, जब विकेट लेकर आता है तो जीएल पे इनको जरूर ट्राई कर लेना। अमनजीत कौर को भी आप चाहे तो बनने पे ट्राई कर सकते हो, जीएल पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं। रेणुका सिंह ठाकुर को हम लोगों ने पिक किया है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। मैगन शॉट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, शुरुआत में और डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो आपके टीम के लिए भी अच्छा ऑप्शन होगा। वेरहम को आप चाहे तो अपने टीम पे ट्राई कर लेना, अच्छा ऑप्शन होगा। डी ब्राउन को हम लोगों ने पिक किया है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी शुरुआती और डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। शेन राणा मेरे सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा इस मैच के लिए इंडिया की तरफ से, तो इनको भी हम लोगों ने पिक किया है। एलेना किंग को भी आप चाहे तो अपने टीम पे ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे इनको लास्ट में पिक करने का। सिका ऐसिक को आप जरूर ट्राई करना अगर आप चाह रहे हैं तो, जीएल पे एक अच्छा ऑप्शन होगा। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो एसले गार्डिनर को हम लोग कैप्टन और एलिसा पैरी को वाइस कैप्टन में ट्राई किया है, आप चाहे तो इंडिया की तरफ से पूजा वस्तेकर, दीप्ति शर्मा को भी ट्राई कर सकते हो, ट्री मैगा के साथ भी आप लोग जा सकते हो। ओमैस पैच पे स्मॉल लीग पे सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ ही जाना सही रहता है। तो ये रही हमारी अभी तक का टीम, आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।